दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड पे कुछ 10 इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। जो 10 के 10 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जानना बहुत जरूरी है। अपना होमवर्क पूरा करके आ चुका हूँ और यहाँ पे 10 के 10 अपडेट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन से 10 अपडेट है और 10 अपडेट जब ये आ जाएंगे 1 जुलाई 2022 से ये अपडेट अवेलेबल हो जाएंगे सारे क्रेडिट कार्ड पे। कौन कौन से अपडेट है, क्या यूजर के लिए फायदा है या नहीं है, यहाँ पर अगर मैं पूरे अपडेट का शॉर्ट में बोलूँ तो भैया यूजर्स के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहला देखो, मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट बना करके बैठा हुआ हूँ और आपको एक एक अपडेट जरूर से बताता रहता हूँ क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले नंबर पे आरबीआई की तरफ से जो अपडेट निकल के आया है, सबसे पहली चीज कि भैया विदाउट परमिशन आपके कार्ड पे कोई भी सर्विस क्रेडिट कार्ड कंपनी एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। पहले कई बार क्या होता था, हम क्रेडिट कार्ड लेते थे साथ में कुछ ना कुछ सर्विस ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देते थे। उसके बाद आगे चलते हैं तो बिल डेट, यानी कि बिल डेट को आप अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब पहले क्या होता था कि जिस आपने क्रेडिट कार्ड जिस टाइम पे लिया तो आपके पास मान के चलो जैसे 4 क्रेडिट कार्ड है, 5 क्रेडिट कार्ड है, किसका बिल ड्यू डेट अलग है, किसी का बिल ड्यू डेट अलग है। अगर आप चाहें तो सभी का बिल ड्यू डेट एक साथ कर सकते हैं, एक बार चेंज करने का, आपको अपडेट करने का मौका दिया जाएगा हर क्रेडिट कार्ड के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट अपडेट में, तो यहाँ पे जो एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो हमारे कार्ड पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दी जाती थी, वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे कोई भी क्रेडिट कार्ड वाले। एंड इसके बाद में चौथे नंबर पे आता है कि अगर आपके कार्ड का किसी कारण से मिसयूज हो जाता है और आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को टाइम पे इन्फॉर्म कर देते हैं, तो अगर उस बीच कुछ भी नुकसान होता है तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड है आपको रिसीव हुआ है और आपने 30 डेज के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो कंपनी डायरेक्ट उसे डीएक्टिवेट कर सकती है। तो ये अच्छा है कि अगर आपको अगर वापस से चाहिए तो फिर ओटीपी से आपको वापस से एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो कंपनी का एक पेज का एक की फैक्ट दिया जाएगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स MITC जिसको बोलते हैं वो आपको दिए जाएंगे और मोस्टली सारे टर्म्स एंड कंडीशन बोल्ड अक्षरों में अच्छे तरीके से कीड़ी मकोड़े वाले नहीं अच्छे तरीके से उसके अंदर लिखे जाएंगे और बताए जाएंगे। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आगे अगर बात करें तो आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे सभी पे इंश्योरेंस होगा। इन केस कुछ फ्रॉड एक्टिविटी या कुछ किसी तरह का कुछ लॉस होता है आपका तो इंश्योरेंस होगा, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी बेयर करेगी इंश्योरेंस। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको जो भी कार्ड देगी उस पर एक इंश्योरेंस जरूर से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी आपने किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और किसी कारण से वो रिजेक्ट कर देते हैं तो भैया आपको उसमें एक परफेक्ट रीजन देगी किस वजह से हम क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको लिखित में या मेल के थ्रू आप तक जरूर से पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे से मतलब सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई भी जो DSA या डायरेक्ट सेलिंग वाले जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी मान लो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कभी कोई कॉल यहाँ पे नहीं करेगा। ये सारे अपडेट्स हैं, आने वाले टाइम पे और भी अपडेट्स आएंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे चाहते हो सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो तो अगर इस चैनल पर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलता है एक नई वीडियो में। जय हिंद।